Yeah, good morning children. Welcome to your English pre-A. Okay, children, do you remember that I am teaching you this is, that is, these are, those are. Okay, just repeat after me, hai na? Ye mere saath bolo. This is, that is, these are, those are. अच्छा चलो आपको एक बहुत अच्छा मैं हिंट देती हूँ, है ना. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दीज दोज और दीज दैट, तो मैंने आपको पढ़ा दिया. बट ये आप जब करने जाओगे या बोलने जाओगे तो आप कैसे समझोगे, है ना. टुडे आई विल गिव यू सम हिंट्स. आज मैं आपको कुछ हिंट्स दे दूंगी ताकि आपको जल्दी से आ जाए. ओके, दीज इज, दीज का फ्रेंड कौन है, इज. ओके, दीज इज, दैट इज. ओके, दिस के बाद में क्या आएगा, इज, आई एस इज. दैट के बाद में क्या आएगा, आई एस इज. ओके, नाउ दिस आर, दिस का फ्रेंड कौन है, आर. दिस आर, दोस आर, दोस आर. इससे आपको ये पता पड़ जाएगा जहां पे इज आता है वहां पे दिस लगाना है या दैट लगाना है, है ना. ओके, नेक्स्ट, जहां पे आर है वहां पे डीज आएगा या दोज आएगा, है ना. चलो एक हिंट तो मिल गया आपको डीज और डीज दैट डीज एंड दोज लगाने के लिए. ओके, नंबर वन, हम डीज कब यूज करते हैं, ये वाला डीज इज, जब कोई चीज हम वन होती है और हमारे नियर होती है. और हम ये डीज कब लगाते हैं, जब कोई चीज हमारे नियर है और मैनी है, है ना. इसमें खाली यही फर्क है वन और मैनी का. ओके, डैट कब लगाते हैं, व्हेन द थिंग इज फार, जब कोई चीज हमसे बहुत दूर है, फार है और वन है, ओनली वन है, तो हम क्या लगाते हैं, डैट. ओके, दोज कब लगाते हैं, हम यूज करते हैं व्हेन थिंग इज फार, जब कोई चीज हमसे दूर है और मैनी है, तो हम क्या लगा देते हैं, दोज. ओके, अब आपको मैंने ये अलग अलग तो सिखा दिया था पहले वाले वीडियो में, अब इनको एक साथ अगर आपको आ जाए तो आप ये कैसे करोगे, है ना. अगर आपको मैं एक साथ दे दूंगी तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे करना है, इसमें क्या आएगा. तो आपको सबसे पहले ये बोलना है दिस इज, दैट इज. अगर इज आता है तो दिस आएगा या दैट आएगा, और अगर सेंटेंस में आर है तो चाहे तो दिस आएगा या दोस आएगा, है ना. ठीक है, धीरे धीरे ये हमें आ जाएगा. कम ऑन, लेट्स स्टार्ट. दिस इज अ कैप, दिस इज अ कैप. ओके, कैप तो हमारे नियर है, वन है, नियर भी है, वन है, तो हमने क्या यूज किया है, दीज. क्या यूज किया है हमने, दीज. ओके, व्हाट वी हैव यूज्ड, दीज. और एक चीज याद रखना चाहिए, यहाँ पे क्या है, इज है, राइट. हाँ, अब एक चीज बताओ मुझे, आपने आपको यहाँ इज तो मैम ने लिखा है, इज तो दिया हुआ है ना, इज इज गिवन टू यू. फॉर इज या तो दिस आएगा या फिर दैट आएगा, है ना. यानी कि ये दो तो नहीं आएगा, मतलब बच्चे कितने, दो, खाली ये और ये बच गए हैं. अब इन दो में से क्या सिलेक्ट करेंगे, कैप, कैप हमारे नियर है या फार है ना. अगर नियर है तो दिस आता है और दूर है तो फार दैट आ जाएगा, राइट. ओके, नाउ डैश आर कैप्स, डैश आर कैप्स. ओके, यहाँ पे ये क्या लिखा है मैम ने, ए आर ई आर, ए आर ई आर. इसका मतलब है हमें अब यहाँ आ जाना चाहिए, ये दो तो नहीं आएंगे, ये दो में से कुछ आएगा, है ना. दीज आर और दोज आर, क्योंकि इसके साथ तो आर लगता है, तो आर आर तो मैम ने ऑलरेडी लिख कर रखा है, तो क्या आएगा, दीज आएगा या दोज आएगा. कैप्स मैनी हो गए हैं, है ना, मैनी के लिए दीज आता है या दोज. और जो चीज हम, कैप तो हमारे नियर है, कैप्स तो हमारे नियर है, तो क्या आएगा, यस कम ऑन, दीज आर कैप्स. कैप्स जो है बहुत सारी है और हमारे नियर है, तो हम क्या लगाएंगे, दीज आर कैप्स, दीज आर कैप्स, दीज आर कैप्स. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द मून. आपको पहले ये पूरा रीड करना है ना, तभी आपको समझ में आएगा. डैश
द मून. ये क्या है? इज. इसका मतलब है या तो दिस आएगा या फिर दैट आएगा. खाली दो में से एक आएंगे. अच्छा ये दो तो कट हो गए. अब दिस और दैट आएगा राइट, क्योंकि यहाँ पे इज लिखा है. अच्छा अब हमें क्या देखना है? मून है ना. मून वन है और फार है. वन है और फार है, तो क्या आएगा? दिस आएगा या दैट आएगा? दैट. व्हाट विल कम? दैट. तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? दैट. दैट इज द मून, क्योंकि ये वन ही है और हमसे फार है तो दैट आएगा. ओके नेक्स्ट वन. डैश आर स्टार्स. डैश आर स्टार्स यानी स्टार्स. ओके अब आर दिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब या तो दीज आएगा या दोस आएगा है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आर लिखा हुआ है. अब आर लिखा हुआ है तो या तो फिर दीज आएगा या दोस आएगा. ओके नाउ आर लिखा हुआ है. चलो मुझे बताओ अब है ना स्टार्स, ये तो फाइनल है कि बहुत सारे हैं. ओके स्टार्स नियर है या फार है? यस कम ऑन. स्टार इज नियर और फार? फार. जो चीज फार होती है बहुत सारी होती है, उसके लिए हमें क्या लगाना है? दोज. उसके लिए हमें क्या लगाना है? दोज. दोज आर स्टार्स, बहुत सारे हैं और फार है हमसे. जो चीज बहुत सारी है हमसे फार है उसमें दोज आता है. दोज की स्पेलिंग क्या है? THOSE. दोज. हाउ टू प्रोनाउंस दिस? दोज. कैसे बोलेंगे इसको? THOSE. दोज. ओके नाउ नेक्स्ट वन नंबर फाइव. डैश इज अ बस. डैश इज अ बस. कीज आ गया है, इसका मतलब या तो दिस आएगा या फिर दैट आएगा. इज वाला है ना, दिस या फिर दैट आएगा. क्लियर. अब बस हमारी नियर है या फार है? बस हाँ, अपने स्कूल का बस देखा है ना, कहाँ पार्क होती है, कहाँ खड़ी रहती है, तो वो हमसे फार है. सो वॉट वी आर गोइंग टू राइट? दैट इज अ बस. That is a bus. That is a bus, है ना? That is a bus. Okay. Now next one. Dash are buses. Dash are buses. Okay. Now here R is used. यहाँ पे R लगा है. इसका मतलब है R लगा है तो ये टू पे से आपको सिलेक्ट करना है these और those में से, है ना? R का तो फ्रेंड ही नहीं है ना, these और those. अच्छा नाउ बसेस मैनी है, आर भी है. ओके नियर है या फार है आप आपको ये देखना है. अगर नियर है तो दीज आएगा और फार है तो दोज आएगा. चिल्ड्रेन रिमेंबर टू, ये आपको बार बार रिपीट करके प्रोनाउंसिएशन, दीज दोज, दीज दोज है ना, ये आपको बार बार रिपीट करके सीखना है. दीज दोज. दीज होता है जब मैनी थिंग्स अपने नियर होती है और दोज जब मैनी थिंग्स हमसे फार होती है. मैनी थिंग्स हमसे फार होती है तो हमें क्या लगाना है? दोज है ना. क्या लगाना है हमें? दोज. तो बसेस के लिए क्या नियर है या फार है, ये अब आपको देखना है. बसेस हमसे फार है और मैनी है तो हम क्या लगा देंगे? हमें दोज आर बसे. एक चीज है ना, इसके खाली इज और आर पहले चेक कर लेना, इज और आर पहले चेक कर लेना, जिससे ना अपने आप आपको मालूम पड़ जाएगा इन दो में से कोई आएगा. मतलब फोर चॉइस है तो फोर में से दो में से किसी में से आएगा है ना, इज और आर से. तो इतना तो आपको मिल गया, फिर उसके बाद देखना है नियर है या फार है. ओके इससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा. चिल्ड्रेन आई हैव गॉट नंबर 1 to 6 फॉर यू. मैंने नंबर 1 से लेके 6 कर दिया है आपके लिए, लेकिन आपको होमवर्क में नंबर 7 to 10 करना है अपने आप. ओके नंबर 7 to 10 यू हैव टू डू फॉर यू. ओके टिल देन गुड बाय चिल्ड्रेन.